हम रोजाना सपने देखते हैं, उनमें से कोई सपने अच्छे होते हैं तो कोई सपने बुरे होते हैं, लेकिन कई बार हमें सांप के सपने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सांप के सपने आने का क्या मतलब है? कई बार हम ये देखते हैं कि सांप ने हमें काट लिया या फिर हाँ सांप के साथ खेल रहे हैं, और इसीलिए ताकि आप ये जान सके कि सपनों का क्या मतलब है, हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं। तो आइए अब हम इन सपनों के बारे में जानते हैं। एक, सपने में सांप के साथ खेलने का क्या मतलब है? अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप किसी सांप के साथ खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक आशिकाना अंदाज के इंसान हैं, लेकिन आपको इन सपनों से बाहर आना होगा, नहीं तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे और आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, इसलिए आपको इन सपनों के बारे में नहीं सोचना है। दो, सपने में सांप का काट लेना। आप अगर सपने में ये देखते हैं कि आपको किसी सांप ने काट लिया, तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस सपने का मतलब है आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आपको कोई अंदाजा ना हो। तीन, सपने में सांप को मार देना। मारना एक अच्छा काम नहीं है, लेकिन अगर आप सपने में सांप को मार देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, आप जो चाहते हैं वही होने वाला है और आप बहुत खुश रहेंगे, आपको अपनी जीवन की सबसे बड़ी बड़ी जीत हासिल होगी। चार, सपने में सांप को देखकर डरना। आपने सपने में अगर ये आया है कि आप सांप को देखकर डर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कोई करीबी दोस्त या फिर कोई करीबी रिश्तेदार जो आपके बहुत करीब हो, जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, वो आपके साथ विश्वासघात करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और ऐसी रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।